और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को हुए ज्वेलर्स की दुकान में डकैती कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। डकैती कांड में शामिल एक और आरोपी जो है उसे मार गिराया गया है। उन्नाव में आरोपी अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया गया। जवाबी फायरिंग में दरअसल अनुज प्रताप ढेर किया गया। डकैती कांड में फरार चल रहे एक और बदमाश को एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने मार गिराया है। मुठभेड़ में आरोपी के सिर पर गोली लगी। जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए बदमाश पर यूपी पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था। इससे पहले सुल्तानपुर लूटकांड के दो और आरोपियों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई थी। इनमें एक आरोपी मंगेश यादव की मौत हो गई थी। दूसरे आरोपी अजय यादव के पैर में गोली लगी थी। उसका अस्पताल में इलाज जो है वो चल रहा है। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हुआ है। अनुज प्रताप सिंह देखिए वही व्यक्ति है। ये पहले ही जो तस्वीर आप सीसीटीवी की देख रहे हैं जो ज्वेलरी की दुकान में घुसता है सबसे पहले यही व्यक्ति दाखिल होता है और उसके बाद किस तरह से पूरी की पूरी लूट को अंजाम दिया जाता है। लाखों के गहने वहां से गायब कर दिए जाते हैं। अनुज प्रताप सिंह उसको एनकाउंटर में ढेर किया गया। इससे पहले मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हुआ था। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है जो 1,00,000 का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सुल्तानपुर में हुए डकैती कांड के बारे में बताते हैं हम जरा कैसे ये पूरी की पूरी डकैती जो है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया था। 28 अगस्त को दरअसल ये डकैती कांड जो है वो अंजाम दिया जाता है। डकैती में शामिल 5 बदमाश जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा जाता है, उसको मार गिराया गया था। आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में अब ढेर किया गया है। यहाँ पर सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में दरअसल डकैती की गई थी। आरोपी जिसमें अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह गिरफ्तार किए गए। आरोपी विवेक सिंह, अजय यादव गिरफ्त में। आरोपी विपिन सिंह को भी पकड़ा गया है। विनोद हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, अब एक और एनकाउंटर जब किया गया है, सवाल तो पहले खड़े हो गए थे मंगेश यादव के एनकाउंटर के साथ में, लेकिन अभी एक ये बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, इसे आप एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं क्योंकि अभी भी हालांकि 3 आरोपी जो है वो फरार है। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, गिरफ्तार किया था। 3 को जो है वो हाफ एनकाउंटर आप कह सकते हैं, इनके पैरों में गोली मारकर उनको पकड़ा गया और 2 को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। इस तरीके से 10 से ज्यादा आरोपी जो है इस पूरी वारदात में शामिल थे। जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया था पुलिस में उसमें अनुज प्रताप सिंह भी मंगेश यादव के साथ ज्वेलरी शॉप के अंदर दिखाई दे रहा। जो लूट की वारदात जो ज्वेलरी शॉप के अंदर हुई थी 28 अगस्त को उसका जो फुटेज जारी किया गया था उसमें भी अनुज प्रताप सिंह था। तो लिहाजा पुलिस ने उसे जो है वो आज एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस का कहना है कि वो सूचना मिली थी मुखबिरों से कि वो उन्नाव में कहीं जो है वो छुपा हुआ है और वहाँ पर पुलिस ने जब रेड किया तब भागने की उसने कोशिश की और इस दौरान फायरिंग में उसे गोली लगी, उसके सिर में गोली लगी है और अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। तो सवाल पूरी इस पूरी लूट के बाद मंगेश यादव को लेकर उठे थे। पूरी घटना जो थी वो लूट के बाद एनकाउंटर पर शिफ्ट हो गई थी। अखिलेश यादव ने इससे सवाल खड़े करके ये कहा था कि मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव है, लिहाजा पुलिस ने उसे जानबूझकर एनकाउंटर में मार गिराया। उसके बाद जो है डीएम यादव को पुलिस ने जो है वो पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था 3 दिन पहले और आज अनुज प्रताप सिंह जो इस पूरे मामले का एक और आरोपी था उसको एनकाउंटर में ढेर किया। तो अब शायद उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो पुलिस लगातार कह रही थी कि वो जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी राज में अपराधी जो है वो थर थर कांप रहे हैं। ये आंकड़े यूपी के एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश की तरफ से बताए गए हैं जिनके मुताबिक देखिए 7.5 साल में 12,525 से ज्यादा मुठभेड़ जो है वो यहां पर हुई। कुल 7,015 कुख्यात और इनामी इस बीच में गिरफ्तार किए गए। 49 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जाता है।
559 से ज्यादा अपराधों को पहले से ही रोक दिया गया, जिसके बारे में सूचना जब पहले मिली थी उन्हें रोक दिया गया। 3,970 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्टिंग उनकी हुई। प्रदेश के 872 दुर्दांत अपराधियों को जेल भेजा गया है। कार्रवाई कितनी तेजी से यहां पर की जा रही है अपराधियों के खिलाफ। 379 साइबर अपराधी जो है, देखिए यहां पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। पेपर लीक से संबंधित 193 गैंग्स जो हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाता है। पेपर लीक के 926 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर की गई। पेपर लीक से जुड़ी हुई भी देखिए किस तरह से कार्रवाई वहां पर की जाती है, उससे जुड़ी हुई ये जानकारी। तीन तस्वीरें यहां पर इसी बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन में योगी सरकार जो है वो नजर आती है, लेकिन इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सवाल निरंतर जारी रहते हैं। अब जो एनकाउंटर यहां पर किया गया है, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तब उसको यादव समाज से जोड़कर दिखा दिया जाता है। अब यहां पर लगातार जब कार्रवाइयां की जाती हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। डकैती कांड में ये बड़ा एक्शन लिया गया। और अनुज प्रताप देखिए, जो मास्टरमाइंड यहां पर एक तरह से विपिन सिंह रहा था, उसका भी काफी ज्यादा करीबी बताया जाता है, जो अभी फिलहाल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तारी उसकी की जा चुकी थी। ये तस्वीरें पहली जो आप देख रहे हैं वही सीसीटीवी फुटेज है जब डकैती को अंजाम दिया गया था उस दौरान की। और इसी डकैती कांड में अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और लगातार हो रही कार्रवाइयों से ये समझ में आता है कि कैसे कुछ ऐसे अपराध जिनको पहले रोका गया, कुछ ऐसे अपराधी जो गिरफ्त से बाहर चल रहे थे उनको पकड़ा जाता है। एनकाउंटर में ढेर, अनुज के पिता का बयान इस बीच में सामने आया। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, अखिलेश की इच्छा की पूर्ति हो गई। अनुज के पिता की ओर से देखिए ये बयान सामने आया, क्योंकि उस बात पर भी राजनीति यहां पर की जा रही थी कि यादव समाज का व्यक्ति था, इस वजह से एनकाउंटर कर दिया जाता है। अनुज के पिता का बयान यहां पर सामने आया है। अनुज जो एनकाउंटर में मारा गया, उन्होंने कहा अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कि अब तो ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए,